કે હવે લોકસભાની ચૂંટણીનો માહોલ બનતો જઈ રહ્યો છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલમાં ચૂંટણી સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા છે. માધ્યમથી સસ્તી ઓર અચ્છી ગેસ ભી મિલને લગેગી. નીતિશજી ને નલ સે જલ દેને કા બીડા ઉઠાયા હૈ ઓર અબ પાઇપલાઇન સે ગેસ કા કામ ભી હોને વાલા હૈ. યે પટના કો સ્માર્ટ બનાને કી પ્રક્રિયા કો और गति देने वाला है. साथियों, ये जो बदलाव आ रहा है उसके लिए फिर एक बार नीतीश जी, सुशील जी और एनडीए की पूरी टीम अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी है, अनेक अनेक बधाई के पात्र है. बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का संकल्प लेकर आप सभी ने मिलकर बिहार को जिस स्थिति से बाहर निकाला वो प्रशंसनीय है. भाई और बहनों, बिहार ने निरंतर प्रयास किया है. कुछ दिन पहले ही बरौनी में 30,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है. ये बिहार के विकास के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की एक और झलक है. साथियों, एनडीए की सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि बिहार में विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये सुनिश्चित हो. इसी सोच के साथ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है. राज्य में एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम या फिर उच्च और प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़े दूसरे संस्थान खोले जा रहे हैं. यह गांव और शहरों की सड़कों का, यहां के नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण हुआ है. जो पुराने पुल है उनको सुधारा जा रहा है. नए फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है. भाइयों और बहनों, रेलवे की पुरानी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है. उनका बिजलीकरण हो रहा है. पटना रेलवे जंक्शन को नए रंग रूप में आप सभी देख ही रहे हैं. सड़क और रेल के साथ साथ हवाई यात्रा को भी सुगम और सस्ता बनाया जा रहा है. पटना एयरपोर्ट को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विस्तार दिया जा रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है. साथ में इसको उड़ान योजना से भी जोड़ा गया है. इतना ही नहीं, अब तो गंगा जी के माध्यम से बिहार को, यहां के उद्यमियों को देश के समुद्री इलाकों से जोड़ने का काम भी चल रहा है. इससे बिहार को लाभ मिलना शुरू हो चुका है. भाई और बहनों, परिवहन के साथ साथ बिजली और ऊर्जा से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान जो हमारी एनडीए सरकार ने चलाया है उसका लाभ पूरे बिहार को मिल रहा है. सौभाग्य योजना के तहत हर गरीब के घर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का हम सफल हुए हैं और मैं नीतीश जी को बधाई देता हूं. आज बिहार के हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प पूरा कर रहे हैं. इसी तरह बिहार को पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के समुद्री किनारों को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ने का काम जोरों पर है
और यहां की रसोई को और यहां के उद्योगों को गैस आधारित बनाया जा रहा है। यही कारण है कि आज बरौनी के खाद कारखाने जैसे अनेक उद्योग फिर से शुरू हो पा रहे हैं। इस बिहार के युवा साथियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। साथियों, ये जितने भी काम मैंने गिनाए हैं उनसे बिहार में उद्योगों के लिए एक बेहतर वातावरण बना है। साथियों, उद्योगों के साथ साथ हमारे अन्नदाताओं के लिए भी देश के इतिहास की सबसे बड़ी योजना पीएम किसान सम्मान निधि आज जमीन पर उतर गई है। इस योजना का लाभ बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों समेत देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को होगा। ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है उनको बैंक खाते में सीधी मदद मिलनी सुनिश्चित हुई है। अभी की स्थिति के हिसाब से ही देश के किसानों को इस योजना के माध्यम से हर वर्ष प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में जमा होंगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई चोरी करने वाला नहीं। अब उन्हें बीज, खाद, कीटनाशक, चारा जैसी जरूरतों के लिए किसी से कर्ज नहीं मांगना होगा। साथियों, चारे के नाम पर क्या क्या हुआ है ये बिहार के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब बिचौलियों से मुक्त सीधे बैंक खाते में पैसा जमा करने वाली ये प्रभावी योजना एनडीए सरकार ने, आपके इस चौकीदार ने, आपके इस चौकीदार ने शुरू की है। ये जो लूट खसोट, बेनामी प्रॉपर्टी और बिचौलियों की संस्कृति और बिहार और देश की राजनीति में दशकों से सामान्य हो चुकी थी, इसको बंद करने की हमने हिम्मत दिखाई है। गरीब और मध्यम वर्ग के हक और पसीने की कमाई पर जो अपनी दुकानें चला रहे थे वो अब चौकीदार से परेशान है। और इसलिए चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन चल रही है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। सुरक्षा चाहे गरीब की हो या सुरक्षा देश की, देश पर बुरी नजर करने वालों के सामने आपका ये चौकीदार और हमारे एनडीए गठबंधन दीवार बन करके खड़ा है। देश की रक्षा सुरक्षा गरीब, वंचित, शोषित, मध्यम वर्ग के हित में जितने भी मुश्किल,
जितने भी बड़े फैसले लेने हैं वो डंके की चोट पर लिए जा रहे हैं और आगे भी लिए जाएंगे। बीते 5 वर्षों में एनडीए की सरकार ने जितने ज्यादा गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है ये अभूतपूर्व है। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने करीब 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त का इलाज की सुविधा से जोड़ा है। लगभग 35 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाए, लगभग 21 करोड़ को 2 लाख रुपए तक के दुर्घटना और जीवन बीमा का कवच दिया, लगभग 7 करोड़ गरीब बहनों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया है, 3 करोड़ से अधिक मध्यम वर्ग के साथियों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर दिया काल दिया मुक्ति दे दी, 1.5 करोड़ से अधिक गरीबों को अपना पक्का घर दे दिया, 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को अटल पेंशन से जोड़ा है। इसी तरह सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण भी एनडीए की ही सरकार ने दिया है और ये काम भी बाकी वर्गों के हक को छेड़े बिना किया गया है। साथियों, ये जितनी भी उपलब्धियां अब तक मैंने गिनाई है ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि 2014 में आपने एक मजबूत एनडीए को जनादेश दिया ऊंचाई पर पहुंचाने का है। बीते 5 वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नींव एनडीए ने मिलकर तैयार की है। अब समय आ गया है इस मजबूत नींव पर सशक्त समृद्ध नए भारत का निर्माण हो। भाइयों और बहनों, देश में अगर महामिलावट वाली सरकार रहती तो ना फैसले होते और ना ही गरीबों का कल्याण होता। इन लोगों की प्रवृत्ति अपना विकास करने की है, देश का विकास करने की नहीं है। मेरे बिहार के भाइयों बहनों और मेरे देश के भाइयों बहनों, जरा याद कीजिए जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक से बढ़कर एक अनेक योजनाएं शुरू की। देश में नए नए हाईवे का निर्माण, गांवों तक सड़क का निर्माण, सबको शिक्षा का अभियान, उन्होंने कितनी ही योजनाएं शुरू की। लेकिन जब कांग्रेस और उनके साथी सरकार में आए तो सारे कामों की रफ्तार धीमी कर दी गई। हमारे नीतीश जी तो खुद गवाह है, अटल जी की सरकार में रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने बिहार के लिए कितना कुछ किया, लेकिन उनकी शुरू की गई सारी अनेक योजनाओं को भी कांग्रेस ने 10 साल में आगे नहीं बढ़ने दिया। गंगा पर बने 2 पुल इसके जीते जागते उदाहरण है। जब वो रेल मंत्री थे
तो अटल जी ने उनका शिलान्यास किया था। उनके गिराने के बाद दोनों पुलों पर काम लगभग ठप पड़ गया। 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद इन पुलों के काम में तेजी आई और मेरे द्वारा उनका लोकार्पण किया गया। साथियों, महामिलावट के घटक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उन्हें देश की कोई परवाह नहीं है, न वो देश की परवाह करते हैं। यही सीख हमें उनके इतिहास और उनके वर्तमान से मिली है। साथियों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि जब हमारे देश की सक्षम सेना आतंक को कुचलने में जुटी है, सीमा के भीतर हो या सीमा पार, आतंक के ठिकानों पर प्रहार करने में लगी है, ऐसे समय में देश के भीतर ही कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं, देश की आवाज को, हमारी सेना के हौसलों को बुलंद करने के बजाय वे ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे दुश्मनों के चेहरे खिल रहे हैं। पाकिस्तान में टीवी पर उनकी बातें, उनकी तस्वीरें दिखा दिखाकर पाकिस्तान में तालियां बज रही है। साथियों, जब आतंकी फैक्ट्री चलाने वालों के खिलाफ एक सुर से, एक स्वर से बात करने की जरूरत थी, तब दिल्ली में 21 पार्टियां मिलकर के केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए इकट्ठी हुई थी। बिहार का, देश का कोई भी सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति उनके उस कृत्य को कभी भी माफ नहीं करेगा। करेगा क्या? माफ करेगा क्या? क्या ऐसे समय पाकिस्तान खुश हो ऐसी भाषा बोलनी चाहिए क्या? क्या पाकिस्तान में तालियां बजे ऐसा पाप यहां करना चाहिए क्या? तो पटनामा वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जे सभा संबोधित करी रहा छे ने हाल में कांग्रेस पर सीधा वार करी रहा छे, साथे साथे जे योजनाओ छे बिहार नो जे विकास छे तेने लईने पण तेमणे बातचीत करी। आगळ वधीए वात करे गुजरात नी, जे वडाप्रधान मोदी बे दिवस माटे गुजरात ना प्रवासे आवशे। अमदावाद गांधीनगर में वडाप्रधान नी मुलाकात जोवा मळशे। गुजरात पोलीसे आंगे तैयारीओ आरंभी दीधी छे ने आखरी ओप पण आपी देवायो छे। तो राज्य पोलीसे वडाप्रधानना मुलाकात स्थले बंदोबस्त गोठवी दीधो छे। आजे बपोरे 2 वागे अमदावाद तेमज गांधीनगर पोलीस रिहर्सल पण करवानी छे। एरपोर्ट अने सिविल केम्पस, विश्व उमियाधाम अडालज, वस्त्राल सहितना कार्यक्रमोना स्थळ पर रिहर्सल कराशे। शहर पोलीस द्वारा ग्राउंड रिहर्सल छे ते करवामां आव्यु छे। तो एरपोर्ट पर डीसीपी, एसीपी, पीआई, पीएसआई अने ट्राफिक पोलीस पण रिहर्सलमां जोडाई छे। तो बीडीडीएस डॉग स्क्वॉड ने पण आ रिहर्सलमां सामेल कराया छे, तेओ पण जोडाया छे। आ साथे ज क्राइम ब्रांच एसओजी सहित नो काफलो पण रिहर्सलमां छे। तो सुरक्षामां कोई पण प्रकारनी खामी न रही जाय ते माटे रूट चेक करवामां आवी रह्यो छे अने तेनी शुरुआत करी देवाई छे। उल्लेखनीय छे के 2 दिवस माटे गुजरातनी मुलाकाते आवी रह्या छे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी। तो केटला खास कार्यक्रमो अर्थे तेओ गुजरात पधारी रह्या छे अने तेमनी खास सुरक्षा व्यवस्था जड़बेसलाक बनावा माटे पोलीस सज्ज छे अने तमाम तैयारीओने आखरी ओप आपी देवायो छे। रिहर्सल करवामां आवी रह्यो छे अने आ साथे जेटला पण रूट छे ते पण चेक करवामां आवशे। तो डीसीपी, एसीपी, पीआई, पीएसआई सहितनो काफलो रिहर्सलमां जोडायो छे। पीएमना प्रवास पहेला पोलीसे रिहर्सल करी रह्यो छे। तो डीसीपी, एसीपी अने पीआई, पीएसआई आ रिहर्सलमां जोडाया छे। तो तमाम रीते सुरक्षा सज्ज करवामां आवी रही छे। उल्लेखनीय छे के जे प्रकारे
बे दिवसीय मुलाकाते आवी रह्या छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी गुजरात ना बे दिवसना प्रवासे जेमा अमदावाद गांधीनगर मां वडाप्रधान मुलाकात लेशे। तो जेम वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी बे दिवस माटे गुजरात पधारी रहा छे ते माटेनी तैयारी ने आखरी ओप आपवामां आवी रह्यो छे। आंगे वधु माहिती मेळवीशुं अमारा संवाददाता पासेथी। जे खास करीने वात करवामां आवे तो वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी बे दिवस माटे आवी रह्या छे गुजरात, परंतु ते पहेला तमाम सुरक्षा व्यवस्था छे ते गोठवामां आवी रही छे। शुं नजारो अमदावादनो जोवा मळी रह्यो छे? चोक्कसी आवतीकालथी गुजरातना बे दिवस प्रवासे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी आवी रह्या छे, जेने लईने शहर पोलीस छे ते शहर पोलीस द्वारा सुरक्षाने लईने आखरी ओप आपवामां आव्यो छे। आजे बपोरे शहर पोलीस द्वारा ग्रांड रिहर्सल करवामां आव्यु हतुं। हुं एरपोर्टनी पाछळना दृश्य एटले के जे गुच्छेलनो जे गेट छे त्यांना हुं दृश्य आपने बतावा मांगीश के ज्यां आगळ आजे ग्रांड रिहर्सल करवामां आव्यु हतुं। खास तो वात करवामां आवे तो एरपोर्ट खाते बे डीसीपी, बे एसीपी, सात पीआई, 25 जेटला पीएसआई अने 380 जेटला पोलीस कोन्स्टेबल अने हेड कोन्स्टेबलने तैनात કરવામાં આવશે। તો આની સાથે સાથે અમદાવાદ ક્રાઇમબ્રાન્ચ એસઓજી અને સાયબર ક્રાઇમ છે તે પણ સક્રિય કરી દેવામાં આવશે। એરપોર્ટ, સિવિલ, વિશ્વ ઉમિયાધામ, ગાંધીનગર અને વસ્ત્રાલ સહિતના સ્થળો પર જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જે કાર્યક્રમ છે તેને લઈને આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો છે। સિવિલ ખાતે પણ આ જ પ્રકારનો બંદોબસ્ત રહેશે, જ્યારે વિશ્વ ઉમિયાધામ છે ત્યાં આગળ એક એડિશનલ ઇજી, એક આઈજી, 12 એસપી, 40 ડીવાયએસપી, 125 પીઆઈ સહિતના 3500થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ છે તે લોકો તૈનાત રહેશે। તો ગાંધીનગર અને અમદાવાદ પોલીસ તે લોકોએ અત્યારે સુરક્ષાને આખરી ઓપ આપી દીધું છે। તો સાથે સાથે સીસીટીવી વાન, વોટર કેનન, ક્યુઆરટી, પીસીઆર વાન, હોક સ્કોડ, બોમ્બ સ્કોડ સહિતના એનએસજીટી ટીમ છે, એસઆરપી છે, સીઆરપીએફ છે, તે લોકોને પણ તૈનાત રાખવામાં આવશે। તો બીજી તરફ કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને અને વડાપ્રધાન જ્યારે આવી રહ્યા છે ત્યારે ખાસ સુરક્ષામાં કોઈ કચાસ ન રહી જાય તે માટે થઈને શહેર પોલીસ દ્વારા આજે ગ્રાન્ડ રિહર્સલ રાખવામાં આવ્યું છે। આ જે ગ્રાન્ડ રિહર્સલ છે તે માત્ર અમદાવાદ એરપોર્ટ ઉપર નહીં પરંતુ અમદાવાદ એરપોર્ટની સાથે સાથે સિવિલ હોસ્પિટલ અને વસ્ત્રાલ ખાતે છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જે કાર્યક્રમ છે ત્યાં આગળ પણ આ પ્રકારે ગ્રાન્ડ રિહર્સલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। જી જી હરમેશ, બિલકુલથી હાલમાં ગ્રાન્ડ રિહર્સલ યોજવામાં આવી રહ્યું છે। ખાસ કરીને જેટલા પણ રૂટ છે હરમેશ, તમામ રૂટ્સ પર ચેકિંગ વ્યવસ્થા છે તે સઘન કરી દેવામાં આવી છે। આ રૂટ કયા કયા રહેશે અને સાથે જ આ રૂટ પરની જે ચેકિંગની કામગીરી છે તે ક્યાં સુધી ચાલશે? જી હરમેશ, ચોક્કસથી જે રૂટ છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યા ઉપર જે કાર્યક્રમ ઉપર જવાનો જે રૂટ છે તે તમામ રૂટ ઉપર પણ પોલીસને ગોઠવી દેવામાં આવી છે। આજે પોલીસ છે તે લોકો વાહન ચેક કરશે, તો સાથે સાથે આસપાસની જે દુકાનો છે કે જે મિલકતો છે તે મિલકતો પણ ચેક કરવામાં આવશે। કારણ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતના પ્રવાસે આવતા હોય છે ત્યારે આગલા દિવસે આ પ્રકારની પોલીસની કામગીરી જોવામાં આવતી હોય છે અને આ જ રીતે આજે પણ ફરી એક વખત પોલીસ દ્વારા ગ્રાન્ડ રિહર્સલ કરવામાં આવ્યું હતું। સુરક્ષાની બાબતોને લઈને આ ગ્રાન્ડ રિહર્સલ કરવામાં આવતું હોય છે, જેમાં તમામ જે અધિકારીઓ છે કે જે લોકોને જે તે જગ્યાની જવાબદારી આપવામાં આવી હોય છે તે અધિકારીઓ પણ હાજર રહેતા હોય છે અને તમામ પ્રકારની સુરક્ષાની જે વાતો છે, જે મુદ્દાઓ છે તેને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવતા હોય છે। જી જી હરમેશ, આભાર તમામ માહિતી બદલ। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બે દિવસ માટે ગુજરાત પ્રવાસે છે તે પહેલા તમામ સુરક્ષા વ્યવસ્થા જે છે જડબે સલાહ કરવામાં આવી રહી છે, તો ખાસ રિહર્સલનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તો કોઈપણ પ્રકારની કચાશ ન રહી જાય સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં તે બાબતોનું તમામ રીતે ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે।